अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शिराज और आप देख रहे हैं एम शिराज टीवी। दोस्तों, आर्ट्स का शौक बहुत से लोगों को होता है और दुनिया भर में इंसान सदियों से आर्ट को लेकर शाहकार बनाते आ रहे हैं। और हमारी आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रीट आर्ट्स के बारे में, जो कि पाकिस्तान में अभी इतना मकबूल नहीं हुआ, लेकिन इसके शाहकार नमूने आपने सोशल मीडिया पर अक्सर और बेशतर देखे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल एम शिराज टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के निशान पर क्लिक करते हुए साथ मौजूद घंटी को बजाकर आल पर भी सेलेक्ट कर लें, ताकि मुस्तकबिल में भी आपको ऐसी मुनफरिद और मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। नंबर 1, स्ट्रीट आर्टिस्ट एडगर मुलर किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इसकी बनाई गई चौक की मदद से पेंटिंग्स एक शाहकार हैं। एक पार्टिकुलर एंगल से देखने पर ये आर्ट वर्क, जिसका नाम डुअलिटी है, किसी बड़े झरने को नीचे की तरफ बहता हुआ दिखाता है। इसका नजारा सच में बहुत यूनिक है। चौक के जरिए गहरी खाइयां, बहते झरने बनाने में एडगर का कोई सानी नहीं। एडगर मुलर के काम की जितनी तारीफ की जाए कम है। मुलर के बनाए गए शाहकार लोग घंटों खड़े होकर देखते हैं। दोस्तों, इस आर्टिस्ट के फन की तारीफ न करना गलत होगा। बेशक मुलर के हाथों में जादू है। नंबर 2, जोहानिसबर्ग साउथ अफ्रीका में बनी इस पेंटिंग में कुछ जानवरों को दिखाया गया है, जो या तो थक गए हैं या बहुत ज्यादा डिप्रेस हैं। बिल्डिंग को दूर से देखने पर ऐसा नजारा मिलता है जैसे ये जानवर किसी पिंजरे में बंद हों। फेमस आर्टिस्ट रोआ अपनी पेंटिंग्स के जरिए जानवरों पर होने वाले जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। आर्टिस्ट रोआ की बनाई गई एक और स्ट्रीट आर्ट भी काफी मशहूर है, जिसमें एक मगरमच्छ को उल्टा लेटा हुआ देखा जा सकता है और उसकी दुम ऊपर जाती सीढ़ियों को कवर कर रही है। ये भी एक मुनफरिद और शाहकार पेंटिंग का नमूना है। नंबर 3, जूलियन बेबर की आंखों को धोखा देती स्ट्रीट आर्ट। कई सारी अमेजिंग स्ट्रीट आर्ट्स बनाने वाले जूलियन बेबर अपनी आर्ट में 3D इफेक्ट्स दिखाने के लिए डिस्टॉर्शन टेक्निक यूज करते हैं। ये आर्ट वर्क 3D तभी दिखता है जब इसे एक खास जाविये से देखा जाए। अपनी पेंटिंग बनाते वक्त जूलियन बेबर उस पे एक कैमरा फिक्स करते हैं, ताकि वहाँ मौजूद व्यूअर्स उस खास जाविये से स्ट्रीट आर्ट के 3D पर्सपेक्टिव और इल्यूशन को देख पाए। पानी के साथ इल्यूशन क्रिएट करने में बेबर माहिर है। ऐसी ही एक पेंटिंग में माहिर आर्टिस्ट ने पाइप से बहते पानी को बनाया है, जो बहता हुआ एक ड्रेन में जा रहा है। इस पेंटिंग में कलर से बनाई गई रिफ्लेक्शंस देखने वाले के लिए असली होने का नजारा बनाते हैं। है ना दोस्तों, कमाल का फन बीबर के हाथों में। नंबर 4, आर्टिस्ट कोसिमो चुनो की बनाई गई ये पेंटिंग अपनी मिसाल आप है। इस पेंटिंग में एक देवकामत इंसान टनल से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी पेंटिंग देख कर वहाँ से निकलने वाले लोग अक्सर डर जाते हैं। नंबर 5, आर्टिस्ट अलेक्जेंडर फोर्टो विल्स। पुर्तगाल लिस्बन में बनी ये स्ट्रीट आर्ट सच में एक बेहतरीन आर्ट का नमूना है। अलेक्जेंडर यूनिक आर्ट के लिए मशहूर हैं। फोटो किसी पेंट को यूज करने के बजाय ड्रिल मशीन की मदद से दीवार में अपनी महारत का सबूत देते हैं और आर्ट के आला और यूनिक शाहकार तहलीक करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आपको इन आर्टिस्ट से मिलकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।